एवरीवन, आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो एक अनबॉक्सिंग वीडियो है। एक्चुअली आज मैं एक प्रोडक्ट खरीदा हूँ अमेज़न से खरीदा हूँ तो ये भी है, अनबॉक्सिंग करते हैं और कुछ क्या क्या है उसमें पढ़ते हैं। आज जो मैंने प्रोडक्ट खरीदे हैं वो है वन बाई वेकॉम, वेकॉम इज अ जापानीज कंपनी। मुझे लग रहा था कि चाइनीज कंपनी है पर तो इसका प्रोडक्ट का प्राइस कितना है मैं बता देता हूँ। इसका जो प्रिंटेड प्राइस है उसमें लिखा है कि 8099। और उसका मैंने पेमेंट किया है
तो मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ आपको पूरा दिखेगा। तो उसके बाद जो है मैंने इसको भी लॉक किया, उसको अनलॉक्स किया। ये वाला जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर मोबाइल जैसा लग रहा है, मोबाइल का पॉइंटर से ही काम चला जाता है। उसको मैंने ये वाला जो पार्ट है उसमें डाल दिया। कैसे मैंने ऐसे ही बना सकता, ये सेट हो गया है। और इसका जो दूसरा पार्ट है जो लैपटॉप के अंदर चाहिए, लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते ही इसमें एक लाइट जल गया, तो मैं इसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक लाइट जल गया है लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के बाद। अब मुझे जो लगे हुआ वो है मेमो, मेमो क्या लिखा है वो देखना। चलिए तो शुरू करते हैं। ये है पार्ट जहाँ पे पेंसिल का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हम लोगों को मिल गया, ये हमने कनेक्ट कर दिया, लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो गया। अब जो करना है कि यहाँ पे कुछ साइन दिया गया है, पावर बटन कनेक्शन, यहाँ पे टच पैड, और यहाँ पे बोला गया है कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा, या स्टार्ट वन का कुछ चीज़ मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद ही शायद ये शामिल होगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ मैं कैसे किया। ये स्टार वन है शेज बोल के, जो वर्कम का जो वेबसाइट है वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद मैंने डाउनलोड किया, स्टेप टू का जो चीज़ था वो डाउनलोड अभी हो चुका है। अब इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये इंस्टॉल अभी हो गया, इसको इंस्टॉलेशन कर देते हैं। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इंस्टॉलिंग के लिए। अभी इंस्टॉल हो रहा है, शोइंग दिस यूनिट, ऐसे इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके, अब दिखाते हैं कैसे यहाँ पे लिख रहे हैं। और हम मेरे पास एक बोर्ड है जिसको जिसका नाम है, एक सॉफ्टवेयर है, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर लिख सकते हैं। मैं अगर इसमें कुछ लिखना चाहूँ जो मैं अभी साइन नहीं कर सकता हूँ, कौन स्मूथ है, ठीक है। अभी दिख रहा है कि वहाँ पे लिख रहा है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज सो वहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने वहाँ पे क्या लिखा। सो दिस इज़ द, अभी ऐसे आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो आप कुछ भी ड्राइंग भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसका कुछ भी दिए अगर चाल सकते हैं। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आएगा धीरे धीरे में, पर आप अगर चालू कर देते हैं मतलब यूज़ करना चालू करते हैं तो हो जाएगा। Next video with this one. So, thank you so much.